गाजीपुर जिले के गाजीपुर थाने के अयाशा कस्बे के पास सुबह सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बांदा सागर सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी स्थानीय ग्रामीणों ने शव उठाने से मना कर दिया। तब मजबूरन पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भाजी। गुस्साए ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई में ट्रक पर पथराव करके आगजनी की कोशिश की और ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया। आज ये एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ कहाँ पर हुआ है और क्या हुआ है और कितने लोग? गोपालपुर मोड़ के पास। जी गोपालपुर मोड़। जी क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए? एक मरा है लेडीज जी, एक अस्पताल गया है। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? ठेला से, ट्रक से हुआ है। ये जो लोड रहा है, वह लोड ट्रक से हुआ है। ये जो लोग जाम लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? ब्रेकर के लिए। ब्रेकर के लिए। तो आप लोगों की क्या मांग है यहाँ पे? ब्रेकर जी। माता जी, एक्सीडेंट हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, क्या कहेंगे? अरे भैया, यहाँ ब्रह्मणपुरवा के हैं, फुरमाबाद के रहने वाले, फुरमाबाद के पास के हैं। यहाँ उनका भांजा मामान है, तो यहाँ होली मिलने आए थे, उनको जाना था। ये कहा थे झलिया थोक है, बनारसी मोड़ में है, तो यहाँ से वो कहा थे मुड़ के अपने जा रहे थे। वहाँ से ट्रक आया, ऊपर से चढ़ गया, अब दोनों लहाज एक लग रहा है उसका भाई, तो उसको अस्पताल भेज दिया गया। लड़की यहीं पड़ी है और इसलिए यहाँ जाम लगा है और यहाँ पर ब्रेकर बनना चाहिए। किस लिए हादसे हो रहे हैं ये बताइए। जब यहाँ गाड़ी नहीं, ब्रेकर नहीं है यहाँ पर, तो गाड़ी रफ्तार से भागती है। अब पुलिस लोग बता दे कि सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी और एक बाइक सवार युवक भी घायल हो गया था, जिसके बाद परिजन रोड पर जाम लगाकर मुआवजे की और आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि तभी पुलिस ने भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के द्वारा किए गए लाठी चार्ज से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब देखना यह है कि मृत महिला और घायल हुए युवक को न्याय कितनी जल्दी मिल पाता है।